हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर गेट, टीएससी एंड अदर पीएससी एग्जाम्स। और इस वीडियो हम करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम कुछ क्वेश्चन, और ये लास्ट वीडियो रहेगा डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का, ठीक है। और अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो ये मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें क्या, एक तो पूरी फुल प्लेलिस्ट है और कुछ टॉपिक वाइज, जैसे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम, इस तरीके से टॉपिक वाइज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा मैंने गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट है, प्लस कुछ पीएसयू एग्जाम्स, डीआरडीओ, नीलिट, एचपीसीएल, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें जो है हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम अभी पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे टाइम डोमेन में करने की, बट कुछ क्वेश्चन हम जेड ट्रांसफॉर्म से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने अगर जेड ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा हुआ है तो आप जेड ट्रांसफॉर्म में ट्राई कीजिए, ठीक है। बाकी जब जेड ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस करेंगे तब मोस्टली हम उसी तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए डिस्क्रीट टाइम सिस्टम फॉर व्हिच इनपुट xn एंड आउटपुट yn आर रिलेटेड एज yn इज इक्वल टू xn माइनस 1/3 yn माइनस 1। इफ yn इज इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0 एंड xn इज इक्वल टू डेल n, देन yn कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ un। तो देखो हमारे पास क्या है, y of n is equal to x of n minus 1/3 y n minus 1, ठीक है। अब y n less than 0 के लिए नेगेटिव 0 है, तो सबसे पहले मैं y 0 की वैल्यू फाइंड करूंगा। अब x 0 del n है, del 0 1 होता है, 1/3 y minus 1, y minus 1 0, तो y 0 आ गया 1, ठीक है। मतलब हमारे पास सिग्नल जो आ गया y, और इसके बाद अगर मुझे y 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, देखो x 1 डेल 1 तो 0 ही आ जाएगा, माइनस 1/3 y ऑफ 0 है ना, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3 क्योंकि y 0 है 1। सिमिलरली y 2 किसके इक्वल आ जाएगा, x 2 डेल 2 फिर 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 y ऑफ 1, y ऑफ 1 है माइनस 1/3, ये आ जाएगा 1/9। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है वो पास्ट वैल्यू से माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई हो रही है बस। तो बेसिकली अगर देखा जाए वाई एन किसके इक्वल आ जाएगा मेरे, पहले 1 है, फिर माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 1/3, फिर माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ 1/9, फिर माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई होगा इस हिसाब से, है ना। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ऑप्शन ए माइनस 1/3 की पावर एन, ठीक है। इसी को अगर मुझे जेड ट्रांसफॉर्म से करना है तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर जिसको आता है z ट्रांसफॉर्म, इसका मैं अगर z ट्रांसफॉर्म लूंगा, ठीक है, y ऑफ z आ जाएगा, x n जो है del n का z ट्रांसफॉर्म होता है 1/3 y n माइनस 1 को होता है z इनवर्स y z, ठीक है। और y z किसके इक्वल आ जाएगा फिर, ये अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा 1/3 z इनवर्स इज इक्वल टू 1 y ऑफ z इज इक्वल टू 1/1 + 1/3 z इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे, और ये देखो नॉन कोजल है, ठीक है, राइट हैंड साइड सिग्नल है, तो वाई एन किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 1/3 की पावर एन यू ऑफ एन, ठीक है। तो जिनको इस जेड ट्रांसफॉर्म आता है पढ़ा हुआ उनके लिए है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे हम जब उसके क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज शोन इन द फिगर वेयर hn इज इक्वल टू डेल n माइनस n माइनस 1 और एक डिले यूनिट। डिले यूनिट का मतलब क्या है कि डिले हो जाएगा, जैसे हम सपोज करो यहाँ पे yn है, इसकी इनपुट पे yn है, ये yn ही है हमारे पास, डिले मतलब यहाँ पे आएगा yn माइनस 1, ठीक है, इसका ये मतलब है। और अगर हम z ट्रांसफॉर्म बात करें, ये आ जाएगा z इनवर्स, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। चलो अभी हमें फाइंड करना है yn। अब देखो yn किसके इक्वल है, अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरा yn किसके इक्वल है, ये है, यहाँ पे कुछ इनपुट आ रही होगी उसका कॉन्वोल्यूशन hn के साथ, और मेरे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ मेरे मिल रहा है xn माइनस y ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो मेरा क्या मिल रहा है मुझे, x ऑफ n माइनस y ऑफ n माइनस 1, ठीक है, उसका कॉन्वोल्यूशन किसके साथ, h ऑफ n के साथ, ठीक है। h ऑफ n क्या है, डेल n और डेल n माइनस 1, तो ये है मेरा x ऑफ n माइनस y ऑफ n माइनस 1 का कॉन्वोल्यूशन
डेल एन माइनस डेल एन माइनस वन, ठीक है। अब कॉन्वोल्यूशन कैसे करेंगे, एक्स एन का पहले अगर मैं इससे के साथ करूंगा तो मेरे पास एक्स एन ही आ जाएगा, ठीक है, और एक्स एन का इसके साथ करूंगा तो माइनस एक्स एन माइनस वन आएगा, माइनस अब मैं वाई का कर रहा हूँ, वाई एन माइनस वन का करूंगा डेल एन के साथ, तो मेरा वाई ऑफ एन माइनस वन ही आ जाएगा, वाई एन माइनस वन का डेल एन माइनस वन से करूंगा वाई एन माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन माइनस वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन माइनस टू, ठीक है, इक्वल टू वाई ऑफ, अभी हमें क्या ऑप्शन, देखो ऑप्शन डी आ जाएगा, इन दोनों को उधर ले आऊंगा मैं, वाई ऑफ एन प्लस वाई ऑफ एन माइनस वन माइनस वाई ऑफ एन माइनस टू इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम हैविंग डिफरेंस इक्वेशन वाई एन इज इक्वल टू वाई एन प्लस अल्फा वाई एन माइनस वन एक्स एन गिवन एज वाई एन इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द वैल्यू। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, एक तो पहले हमें इनपुट के बारे में नहीं बताया हुआ, ऊपर से जब वाई एन इसके इक्वल दे दिया, इसका मतलब तो जीरो के इक्वल होना चाहिए, बट इसका आंसर 11 दिया हुआ था, तो डायरेक्ट एन की वैल्यू आप माइनस वन पुट करते हो तो 11 आ जाता है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, है ना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर नहीं दिए होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंस इक्वेशन वाई एन इज इक्वल टू yn minus 0.5 yn minus 1 xn if input is xn is equal to 2un, देखो यहां पे इनपुट दी हुई है हमारे प्रॉपर, is applied to the system then zero state response will be, zero state response का मतलब क्या है कि initial condition zero है और वो आएगा a minus 0.5n इसके साथ, वैसे इनपुट ही हम इस पे दे रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट भी जीरो के बाद ही आएगी, है ना, तो इसके साथ un लग जाना चाहिए वैसे, ठीक है। अब देखो जो y of n है वो किसके इक्वल आ गया, x ऑफ n प्लस 0.5 y ऑफ n माइनस ऑफ, ठीक है। अगर मुझे y जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है वो आएगी x जीरो, x जीरो के बाद हमेशा 2 आएगा, 2 un है तो 2 प्लस 0.5 इंटू y ऑफ माइनस वन, y ऑफ माइनस वन क्या है, जीरो है, ठीक है, और क्योंकि इनिशियल कंडीशन कुछ नहीं है तो मेरे पास आ जाएगा y ऑफ जीरो आ जाएगा 2, y ऑफ जीरो मेरे पास 2 आ गया, इस ये भी मेरे पास क्या है y n के इक्वल है a माइनस 0.5 की पावर n u ऑफ n होना चाहिए, y जीरो किसके इक्वल आ जाएगा a माइनस 1, ठीक है। अब y जीरो इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है, तो हम क्या करेंगे a माइनस 1 इक्वल टू 2 a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0 a माइनस 2 a प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 2 और माइनस 1, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, y 1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तब देखते हैं दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है। अगर मैं y 1 लेता हूं, y 1 आएगा x ऑफ 1 यानी कि 2 है प्लस 0.5 इंटू वाई ऑफ 0, वाई ऑफ 0 कितना है 2, 2 इंटू 0.5 1 प्लस 2 3, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग मेरे पास y जो 1 आएगा वो आएगा a माइनस 0.5, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं क्या पुट करता हूँ यहाँ पे a की वैल्यू इसमें और a इज इक्वल टू 2, तो y 1 जो है वो 2 माइनस 0.5 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये इक्वल आ गया y1 के। सिमिलरली अगर मैं a की वैल्यू माइनस 1 रखता हूँ तो y1 जो है माइनस 1 माइनस 1 तो आएगा माइनस 1 इंटू माइनस 1.5 तो 1.5 आ गया, ये सही नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं आया ना, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रियलाइजेशन ऑफ ए डिस्क्रीट टाइम सिस्टम गिवन बाय डिफरेंस इक्वेशन। ये डिफरेंस इक्वेशन दिया है, यहां पे देखो सबसे पहले वाई एन किसके इक्वल है, ये एक्स एन प्लस 0.4 इंटू वाई ऑफ एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास वाई एन है, ये क्या क्या आ रहा है, एक तो एक्स एन तो प्लस हो ही रहा है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए 0.4 इंटू वाई ऑफ
सॉरी एन माइनस वन, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये ऑप्शन में देखो, यहां मुझे मिलेगा y ऑफ n माइनस वन और यहां मिलेगा माइनस पॉइंट फोर वाई एन माइनस वन, बट हमें क्या चाहिए, प्लस, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत और सी आ जाएगा, देखो यहाँ प्लस है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, 2.5, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम शोन इन द फिगर बिलो इज स्टेबल इफ मोड ए इज लेस देन। देखो हमें स्टेबल के लिए क्या फाइंड करना है, स्टेबल के लिए ये चीज होनी चाहिए कि अगर मैं इंपल्स रिस्पॉन्स मेरा क्या होना चाहिए, उसका समीशन लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा इनपुट डेल एन है तो मेरा आउटपुट किसके इक्वल आ जाएगा, एच ऑफ एन के, है ना, इंपल्स रिस्पॉन्स। अगर देखा जाए ये डिले यूनिट है, ये अल्फा है, तो यहां मुझे क्या मिल रहा है, वाई ए वाई एन माइनस वन, ठीक है। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो मेरा वाई ऑफ एन किसके इक्वल आएगा, मेरा वाई ऑफ एन जो है वो है प्लस, है ना, एक्स ऑफ एन प्लस ए वाई ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। तो अगर मैं एक्स एन को डेल एन ले रहा हूं तो मेरा वाई एन क्या हो जाएगा, एच एन हो जाएगा ना, इंपल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी इंपल्स रिस्पॉन्स सबसे पहले मुझे जीरो पे वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ठीक है, ये वन प्लस ए एच एन माइनस वन, तो जीरो ही आ जाएगा, एच माइनस वन। तो और एच वन किसके इक्वल आएगा, डेल वन जीरो आएगा हमेशा, ये आएगा ए एच ऑफ जीरो यानी कि ए। अभी भी सेम वही चीज होगी, अगर हम पहले क्वेश्चन में की हुई है कि प्रेजेंट वैल्यू पास्ट वैल्यू इंटू ए पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, इसका मतलब एच ऑफ टू क्या आ जाएगा, जीरो प्लस ए एच ऑफ वन यानी कि ए स्क्वायर। तो मेरा एच एन जो आ रहा है वो आ रहा है वन ए ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। और इसका समीशन क्या होना चाहिए, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, फाइनाइट होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो इसका मतलब वन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब इनफाइनाइट जीपी, इसका सम फाइनाइट होना चाहिए। वो कब होता है, जब कॉमन डिफरेंस ए जो होता है वो लेस देन वन होता है, ठीक है, लेस देन वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम शोन इन द फिगर बिलो इज। तो सबसे पहले देखो कोजल तो है ही, अगर इसको मुझे डिफरेंस इक्वेशन बनानी है, सबसे पहले वाई एन है, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, वाई ऑफ एन माइनस वन, एक बार डिले, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, वाई ऑफ एन माइनस टू, ठीक है, और यहाँ मुझे मिल जाएगा माइनस वाई ऑफ एन माइनस वन, और यहाँ मुझे मिलेगा टू इंटू वाई एन माइनस टू, और ये दोनों प्लस हो गए, मुझे मिल रहा है यहाँ पे दोनों का प्लस और ये माइनस हो रहा है। देखो वाई ऑफ एन मुझे क्या मिल रहा है, एक्स एन माइनस, माइनस क्या हो रहा है, ये जो दोनों चीजों का प्लस होके यहाँ पे आ रहा है, तो माइनस टू वाई ऑफ एन माइनस टू माइनस वाई ऑफ एन माइनस वन, ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो कॉजल है कि प्रेजेंट आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट डिपेंड कर रही है, कहीं भी फ्यूचर नहीं आ रहा ना, ठीक है, तो ये कॉजल तो है ही। अब हमें देखना बाउंडेड स्टेबल है कि नहीं। अब इसमें अगर हम वैसे करने से जाएं, है ना, जैसे हमने ये सब किए हैं कि निकालते जाएं पैटर्न बना ले, वो मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इसमें दो चीजें आ गई, काफी लंबी कैलकुलेशन आ जाएगी, हो सकता है पैटर्न भी ना बने। तो इस केस में आई थिंक जेड ट्रांसफॉर्म लेना ही ज्यादा बढ़िया होगा। तो इसमें अगर जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं, देखो वाई जेड का, तो वाई एन का वाई जेड आ जाता है, ठीक है, और इसका एक्स जेड आ जाएगा, माइनस टू जेड माइनस टू वाई जेड, ठीक है, माइनस टू होते इसलिए ये आ गया जेड इनवर्स वाई जेड, और इसको मैं इधर ले आऊंगा पूरे को, तो मेरे पास वाई जेड कॉमन आके वन माइनस टू जेड की पावर माइनस टू माइनस दिस इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है, और हमारे पास एच जेड किसके इक्वल आ जाएगा, वाई जेड डिवाइड बाय एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू वन माइनस टू ठीक है।
अभी देखना हमें ये जो इसके पोल है वो कहाँ पे लाई करते हैं, हम कोजल है तो देखो यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, आर ओ से हम कैसे निकालते हैं कि ये जो है ये हमारा होता है जेड इज इक्वल टू वन यूनिट सर्कल, तो हमारे पोल जो है इसके अंदर आने चाहिए, और ताकि ये कोजल है तो इसके अंदर आने चाहिए तभी ये बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल रहेगा। ठीक है तो इसको पोल निकाल लेते हैं, बेसिकली आ जाएगा वन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो अरे एक गलती कर दी हमने, 0.25 भी था यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 0.25, कहाँ कहाँ आएगा, कहाँ कहाँ डिफरेंस आएगा, इसको रब करते हैं पहले। वन बाय फोर कर देता हूँ, यहाँ पे वन बाय फोर हो गया, यहाँ भी वन बाय फोर हो गया। अच्छा सॉरी, वन बाय फोर यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं फोर यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है फोर यहाँ पे कर दिया और फिर फोर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है तो मेरा एक्स जेड जो आ जाएगा वो आएगा वाई जेड डिवाइड बाय एक्स ऑफ जेड इक्वल टू वन फोर माइनस टू, ठीक है इसके इक्वल आ जाएगा, यस आई थिंक सही है। और अभी हमें पोल निकालने हैं, फोर माइनस टू जेड माइनस टू माइनस जेड इनवर्स इज इक्वल टू जीरो, फोर जेड स्क्वायर माइनस टू जेड सॉरी माइनस जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो इसका तो हमें पोल निकालने पड़ेंगे, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस 16 32 डिवाइड बाय 8, ठीक है 4 दुनिया 8, यस तो ये 1 प्लस माइनस रूट 33 डिवाइड बाय 8। अब देख लो अगर मैं इसका रूट जो है 33 का 5 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ना, 6 से कम आएगा, चलो मैं 6 भी मान लेता हूँ, अगर ये 6 आया तो 1 प्लस 6 7 डिवाइड बाय 8 ये भी 1 से कम है, 1 माइनस 6 डिवाइड बाय 8 माइनस 5 बाय 8 ये भी 1 से कम है, तो दोनों पोल हमारे इसके अंदर ही आने वाले हैं, एक मान लो पॉजिटिव आ जाएगा एक नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल ऑप्शन सी। ठीक है इसको थोड़ा सा मुश्किल है टाइम डोमेन में करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम शोन इन द फिगर बिलो, सिस्टम इज, देखो यहाँ इसको हम कर सकते हैं, अगर याद हो ये सेम क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने क्या बोला था ए की वैल्यू जो है लेस देन 1 होनी चाहिए, तो और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 हो गए, तो सबसे पहले तो लीनियर तो है ही है, अगर हम बात करें ये है वाई ऑफ एन माइनस 1, तो वाई ऑफ एन किसके इक्वल आ जाएगा एक्स ऑफ एन प्लस वाई ऑफ एन माइनस 1, तो लीनियर तो है, यस। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल देखना है, तो अनस्टेबल होगा ये, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे जो वैल्यू मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 हो, क्योंकि इसमें जो आप निकाल के देखना जो एच एन जो आएगा इसका इंपल्स रिस्पॉन्स, अगर आप एक्स एन को डेल एन दोगे तो क्या आएगा 1 1 1 1, ठीक है ये आएगा, तो ये तो समीशन इसका इनफाइनाइट आएगा, सॉरी फाइनाइट आएगा नहीं, 1 प्लस 1 अप टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल, तो करके देखिएगा कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम शोन इन द फिगर, फर्स्ट 3 सैंपल्स ऑफ इंपल्स रिस्पांस विल बी, इंपल्स रिस्पांस मींस यहां हमने डेल एन दिया है, क्या होने चाहिए वाई जीरो वाई वन वाई टू, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ वैल्यू मानते हैं, v ऑफ n मान लेता हूँ सिग्नल, सबसे पहले v ऑफ n किसके इक्वल है, v ऑफ n ये है v ऑफ n माइनस 1, ठीक है v ऑफ n किसके इक्वल आ जाएगा एक्स एन, ठीक है प्लस 0.5 v ऑफ n माइनस 1, ठीक है और मेरा y ऑफ n किसके इक्वल आएगा, वो आएगा v ऑफ n
प्लस वी ऑफ एन माइनस वन, ठीक है, वन सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा वाई एन जो आ जाएगा वी एन और वी एन माइनस वन का प्लस। अभी हमें क्या फाइंड करना है, एक्स एन जो है वो डेल एन के इक्वल है ना। सबसे पहले हम वी एन की वैल्यूज फाइंड कर ले, या तो यस वही करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं फिर पुट करते जाएंगे। सबसे पहले देखो वी वन की वैल्यू क्या होगी, वी जीरो की, ये एक्स एन एक्स एक्स जो है डेल एन है तो ओनली जीरो के लिए इसके लिए वन आ जाएगी, अदरवाइज जीरो आएगी। और वी माइनस वन तो जीरो ही होगा, ठीक है, कुछ इनिशियल कंडीशन तो है ही नहीं, वन, ठीक है, वी वन जो है। और हमें कहां तक वैल्यू चाहिए, हमें वाई टू फाइंड करना है, तो वी टू और वी वन, वी टू तक की वैल्यू चाहिए हमें मैक्सिमम, ये आ जाएगा जीरो प्लस पॉइंट फाइव इंटू वन, ये आ जाएगा पॉइंट फाइव, ठीक है। वी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी जीरो प्लस पॉइंट फाइव इंटू वी वन यानी कि पॉइंट फाइव यानी कि पॉइंट टू फाइव, ठीक है, ये आ गए। अब हमें फाइंड करना है वाई ऑफ जीरो, वाई ऑफ जीरो किसके इक्वल आ जाएगा, वी ऑफ जीरो प्लस वी ऑफ माइनस वन तो जीरो है, तो वाई ऑफ जीरो मेरे पास आ गया वी ऑफ जीरो यानी कि वन, और वाई ऑफ वन किसके इक्वल आएगा, वी ऑफ वन प्लस वी ऑफ जीरो, तो ये वाई ऑफ वन किसके इक्वल आ जाएगा, वी ऑफ वन है पॉइंट फाइव, वी ऑफ जीरो था वन, ये आ जाएगा वन पॉइंट फाइव। आगे जो है वाई ऑफ टू, ये वी ऑफ टू प्लस वी ऑफ वन, वी ऑफ टू जो है वो है पॉइंट टू फाइव प्लस v of 1 है 0.5, तो आ जाएगा 0.75, ठीक है। तो तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, 1 1.5 2.5 प्लस 0.75 3.25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज शोन If step input xn is equal to un, initial condition zero, system responses, ठीक है, इसको हम time domain से भी करेंगे और z से तो आसान है, उससे भी आपको हिंट दूंगा। तो सबसे पहले इसकी difference equation बना लेते हैं। देखो z inverse का मतलब क्या है, delay unit, मतलब यहाँ पे क्या आएगा y of n minus one और यहाँ पे आएगा half y of n minus one, तो मेरे पास जो yn है वो है xn माइनस हाफ वाई ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें कि वाई ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड करते हैं और इसमें ऑप्शंस में पुट करके देखेंगे, तो मेरे पास वाई ऑफ जीरो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स ऑफ जीरो माइनस हाफ वाई ऑफ माइनस वन, वाई ऑफ माइनस वन तो जीरो ही है, एक्स ऑफ जीरो क्या आएगा, यू ऑफ एन है तो वन आ जाएगा, वाई ऑफ जीरो क्या आ गया, वन आ गया। अगर मैं ऑप्शन में पुट करके देखूं जीरो, तो मेरे पास वन बाय थ्री हाफ, किसी हाफ की पावर जीरो तो वन ही आ जाएगा, प्लस टू बाय थ्री, ये वैल्यू वन आ गई, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है ना, हमें बाकी भी चेक करने हैं। अगर मैं बी में जीरो पुट करूं ये भी वन आएगा, सी में अगर मैं जीरो पुट करूं एन की वैल्यू ये फाइव आ जाएगा, तो मतलब सी तो नहीं है पक्का, इस तरह डी भी नहीं आएगा। ए और बी में हम निकालेंगे। अब हमें y1 की वैल्यू फाइंड करनी है, y1 की वैल्यू आएगी x of 1 minus 1 by 2 y of 0, जो कि इक्वल आएगा 1 minus 1 by 2 यानी कि 1 by 2, ठीक है। तो अगर मैं n की वैल्यू b में 1 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस हाफ, तो b गलत हो जाएगा, हमें प्लस हाफ चाहिए। सेम चीज अगर मैं इसमें पुट करूं 1 by 3, 1 पुट करूंगा तो माइनस हाफ प्लस टू बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस वन बाय सिक्स प्लस टू बाय थ्री, तो ये आ जाएगा सिक्स माइनस वन प्लस फोर थ्री बाय सिक्स इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, ए आ जाएगा। सिमिल इसको हम कर सकते हैं इससे जेड ट्रांसफर से, ठीक है, जेड ट्रांसफर को ज्यादा अच्छा रहेगा, बट हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इन्होंने बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेट रिप्रेजेंटेशन स्पेशलाइजेशन ऑफ ए डिस्क्रीट सिस्टम गिवन बाय डिफरेंस इक्वेशन सी के प्लस टू प्लस अल्फा सी के प्लस वन
प्लस बीटा सी के, ठीक है, इज इक्वल टू यू के इनपुट है। सबसे पहले देखो यहाँ पे सी के है, ये डिले यूनिट से आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका एडवांस होगा। अगर मैं ओनली ऑप्शन ए में बनाता हूँ तो यहाँ पे सी के प्लस वन होना चाहिए, और इससे एक डिले यूनिट है पहले, तो यहाँ ये सी इसमें बनाते हैं, डी में बनाते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी के प्लस वन, यहाँ पे होना चाहिए सी के प्लस, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें इक्वेशन क्या कहती है कि जो सी के प्लस टू है उसमें क्या है, यू के, इसको अगर हम थोड़ा सी के प्लस टू को एक साइड रखें, वो किसके इक्वल आ रहा है, वो यू ऑफ के माइनस अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है सी ऑफ के प्लस वन से, माइनस बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है सी ऑफ के से। बस ये चेक कर लो, देखो यहाँ पे क्या है, सी के प्लस वन से माइनस अल्फा होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे अल्फा है तो माइनस अल्फा, देखो वन बाय अल्फा वन बाय बीटा तो कैंसिल ही हो गया, ऑप्शन सी खत्म हो गया, ठीक है। और ऑप्शन बी में चेक करो, देखो ऑप्शन ए में चेक करो, यू के, ठीक है, प्लस ये माइनस अल्फा आ रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है सी के प्लस वन से, और बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है सी के से, ठीक है, माइनस बीटा, तो ऑप्शन ए सही। बाकी ऑप्शन देखो बी में गड़बड़ी क्या है, यहाँ पे माइनस वन है ना, माइनस वन ये क्या है, यू के से भी मल्टी, देखो माइनस वन हर किससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फा सी के प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा, बीटा सी के से मल्टीप्लाई होगा, बट यू के से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वन, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यू के कोएफिशिएंट प्लस वन है। सिमिलरली इसमें देखो साइन का ही उल्टा है, अल्फा और माइनस बीटा है, इसलिए ऑप्शन ए सही आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम अभी हमारा खत्म हो चुका है, इसके हमने ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन किए हैं, इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, और टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, और वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।